एवरीवन, मेरा नाम संजू है और मैं G++ मौली जागरा स्कूल से हूँ। आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है। इसके लिए हमने दो डाइस लिए हैं, जिसमें से एक हमारा येलो है और एक हमारा ग्रीन डाइस है। इसमें से हम एक को SP मान लेंगे और एक को CP मान लेंगे। मान लिया ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। एक बच्चा आएगा और वो इन दोनों डाइस को थ्रो करके स्टार्ट करेगा हमारे गेम को। जैसे इसने थ्रो किया तो ये वाला हमारा CP था, तो CP आया हमारा 3 और SP आया हमारा 5। अब वो कैलकुलेट करेगा कि उसका लॉस हुआ है या उसका प्रॉफिट हुआ है। तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 2 कॉइन का, तो हम यहाँ से कॉइन उठाएंगे और 2 कॉइन हमारे प्रॉफिट वाले कॉलम में रख देंगे और उसके साथ हम लिख देंगे उसका प्रॉफिट हुआ है 2 का। नेक्स्ट टर्न में फिर वो वापस से थ्रो करेगा और इस बार उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमारा CP जो है 5 है और हमारा SP जो है 2 है, तो उसका 3 का लॉस हुआ है। तो इस बार हम 3 कॉइन्स लॉस वाले सर्कल के अंदर रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 लॉस। ऐसे ही वो 5 बार ही अपने कॉइन्स थ्रो करेगा नेक्स्ट टर्न। इस बार हमारा क्या हुआ है, ये वाला हमारा CP था, ये वाला हमारा SP था, तो इस बार हमारा लॉस हुआ है 1 का, तो हम लिखेंगे 1 का लॉस। अब लॉस वाले कॉलम में हमने 1 कॉइन रख दिया। अब नेक्स्ट टर्न करेंगे, इस बार हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो हम प्रॉफिट वाले कॉलम में 1 लिख लेंगे और रख दिया हमने 1 कॉइन को। अब फिर से लास्ट टर्न है ये हमारी, इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ है 2 का, तो इस बार प्रॉफिट वाले में हमने 2 लिख लिया। लास्ट में हम रिजल्ट में उसकी काउंट करेंगे कि उसको ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम प्रॉफिट को अलग से काउंट करेंगे, लॉस को अलग से काउंट करेंगे। प्रॉफिट इसमें हमारा कितना हो गया, 5 हो गया और लॉस हमारा 4 हो गया, तो लास्ट में उसका प्रॉफिट हुआ 1 का। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएंगे, फिर उसके 5 अटेम्प्ट करेंगे और ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे। फिर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो किस बच्चे का हुआ है और वही हमारा विनर हो जाएगा। थैंक यू।